गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज रिलेटेड टू रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। मींस ग्लोबलाइजेशन को रोकने के लिए या उसके अगेंस्ट कौन कौन से व्यूज दुनिया में आए हुए हैं या आ रहे हैं धीरे धीरे। पेज नंबर 145 एंड चैप्टर नंबर 9। सो लेट्स स्टार्ट। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट ग्लोबलाइजेशन इज ए वेरी contentious subject and has invited strong criticism all over the globe। हमने पहले ही देख लिया कि globalization एक बहुत बड़ी thing है जिसके पूरी दुनिया में कई ways में उसकी criticism, उसकी आलोचना हुई है। Critics of globalization make a variety of arguments। ये जो criticism हुई है ये कई तरह से हुई है। मीन्स जिसकी जो आइडियोलॉजी है वो उस बेस पे, कोई कल्चरल बेस पे, कोई पॉलिटिकल बेस पे, कोई इकोनॉमिक बेस पे अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स रख रहा है। दोज ऑन द लेफ्ट आर्ग्यू दैट कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म दैट मेक्स द रिच रिचर एंड फ्यूअर एंड द पुअर पुअरर। जो लेफ्ट विंग के लोग हैं, देखो लेफ्ट विंग और राइट विंग का क्या फ़र्क है। लेफ्ट विंग जो लोग, जो लेफ्ट की पार्टीज बोली जाती हैं, ठीक है, जैसे जो बंगाल में है लेफ्ट विंग की पार्टी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है ना, ये सभी। तो जो लेफ्ट विंग के लोग हैं उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की क्रिटिसिज्म इस बेस पे की है कि ये पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म को फैला देगा और ये कैपिटलिज्म जो गिने चुने अमीर देश है उनको और भी ज़्यादा अमीर बनाएगा और जो गरीब देश हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं उनको गरीब बनाएगा। वीकनिंग ऑफ द स्टेट लेड्स टू ए रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स पुअर। जो यदि ये देश ऐसे गरीब होते जाएंगे तो इनकी कैपेसिटी कम हो जाएंगी और ये अपने लोगों के, जो गरीब लोग हैं, या अपने स्टेट की प्रोटेक्शन कम कर पाएंगे बाद में इस ग्लोबलाइजेशन से। क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द पोलिटिकल राइट एक्सप्रेस एनिक्सिटी ओवर द पोलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इफेक्ट्स। तो जो पोलिटिकली वे में जो लोग इसकी क्रिटिसिज्म करते हैं वो इसकी पोलिटिकली, इकोनॉमिक और कल्चरल तीनों जो इम्पैक्ट हैं उनकी क्रिटिसिज्म करते हैं जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। इन पोलिटिकल टर्म्स दे ऑल्सो फियर द वीकनिंग ऑफ द स्टेट्स। पॉलिटिकली उनको लगता है कि एक देश जो गरीब होता जाएगा ग्लोबलाइजेशन की वजह से या दूसरे कंट्रीज पे जो डिपेंड होता चला जाएगा तो वो देश बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, ताकत में उसकी पावर बहुत कम हो जाएगी। इकोनॉमिकली दे वांट ए रिटर्न टू सेल्फ रिलायंस एंड प्रोटेक्टियनिज्म। इकोनॉमी में वो चाहते हैं कि उनकी खुद की आत्मनिर्भरता हो ताकि प्रोटेक्टियनिज्म को अपना जाए। मीन्स वहाँ की लोगों की जो नीड है उन की नीड वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट से ही या वहाँ के प्रोड्यूसर से ही कंप्लीट हो। यदि वो बाहर से सारा सामान लेते रहेंगे तो हमारी खुद की मार्केट में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और हम पूरी तरह से बाहर के चीज़ों पे डिपेंड हो जाएंगे, एटलीस्ट इन सर्टेन एरियाज ऑफ इकोनॉमी। और ये प्रोटेक्टियनिज्म या सेल्फ रियलाइंस, आत्मनिर्भरता या सुरक्षा कुछ इकोनॉमी के सेक्टर्स में तो होनी ही चाहिए। कल्चरली दे आर वरीड दैट द ट्रेडिशनल कल्चर विल बी हार्म्ड एंड पीपल विल लोज देयर एज ओल्ड वैल्यूज एंड वेज। तो इनको कल्चरली या सांस्कृतिक रूप से लगता है कि जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है वो ग्लोबलाइजेशन से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और हमारी ओल्ड वैल्यूज और ज़िंदगी जीने के जो तरीके हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और हम पूरी तरह से वेस्टर्नाइजेशन के शिकार हो जाएंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट हियर दैट एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल नेटवर्क्स अलाइंग विद दोज हु फील लाइक देम इन अदर कंट्रीज। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स हैं वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। मैनी एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स आर नॉट अपोज टू द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन पर से एज मच एज दे आर अपोज टू ए स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इनमें से बहुत सारे मूवमेंट्स ग्लोबलाइजेशन को पूरी तरह से क्रिटिसिज्म नहीं करते, उसकी पूरी तरह से उसकी आलोचना नहीं करते। वो उसके कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स जिनसे उसकी इकोनॉमी पे या कल्चर पे या पॉलिटिकल लाइफ पे फर्क पड़ता है उसकी बहुत ज़्यादा पोजीशन करते हैं, विच दे सी एज ए फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म, जिस नेगेटिव इम्पैक्ट से उनको लगता है कि ये दोबारा से साम्राज्यवाद या कॉलोनियलिज्म या इम्पीरियलिज्म दुनिया में फैल जाएगा, ठीक है। तो इस वे की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती है। इन 1999
एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग देयर वर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एट सिटेल एलिजिंग अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस बाय द इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स। तो ये कह रहा है कि भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 1999 की मीटिंग में जो इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स अपना अनफेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, मींस अपनी कंपनीज को पूरी दुनिया में बढ़ाते जा रहे हैं और जिससे गरीब देश या डेवलपिंग नेशंस उन पे डिपेंड होते जा रहे हैं, इस चीज़ इस बात की क्रिटिसिज्म हुई, उसकी आलोचना हुई। इट वॉज आर्ग्यूड दैट द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड वर नॉट गिवन सफिशियंट इम्पोर्टेंस इन द इवोल्विंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। यह तर्क या लॉजिक दिया गया कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरेस्ट हैं उनको पूरी तरह से प्रायोरिटी नहीं दी जाती या उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम ग्लोबलाइजेशन में बढ़ता जा रहा है उसमें। द वर्ल्ड सोशल फोरम WSF इज अनदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म विच ब्रिंग्स टूगेदर ए वाइड कोलिएशन कम्पोज ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट लेबर यूथ एंड वुमेन एक्टिविटिस्ट अपोज टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। जो वर्ल्ड सोशल फोरम में, वर्ल्ड सोशल फोरम सोशल मीन सामाजिक, तो समाज में कितने सारे तरह के जो एक्टिविस्ट हो सकते हैं उन सब की बात हो रही है यहाँ पे, चाहे कोई ह्यूमन राइट्स के लिए बात कर रहा हो, चाहे कोई इन्वायरमेंट के लिए, चाहे कोई लेबर राइट्स के लिए, चाहे कोई यूथ के लिए, चाहे कोई महिलाओं के लिए, चाहे कोई न्यू लिबरल के लिए। जो न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन है, न्यू लिबरल मतलब वो इम्पीरियलिज्म जैसा ही है, मतलब जो आज के टाइम का ग्लोबलाइजेशन है और जो दुनिया में लिबरलाइजेशन फैलाता जा रहा है। और लिबरलाइजेशन मैंने बताई रखा क्या है, उदारवाद, मीन्स आप अपनी मार्केट से हर एक तरह के बैरियर्स को हटा लो, किसी तरह का प्रोटेक्शन मार्केट को मत दो, ठीक है, या किसी भी सेक्टर को गवर्नमेंट के अंडर में मत रखो, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आने दो। तो ये बहुत सारे जो सोशल फॉर्म्स हैं ये सभी क्या कर रहे हैं, न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। इन द फर्स्ट वर्ल्ड सोशल फोरम मीटिंग वाज द ऑर्गेनाइज्ड इन पोर्टो एलग्री ब्राजील इन 2001। द फोर्थ, ये फोर्थ मुंबई में हुई है आप देख लोगे, और उसके बाद ब्राज़ील में हुई 2018 में भी हुई, जो उसको आप देख लेना। इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, भारत ग्लोबलाइजेशन को रोकने के लिए किस तरह से क्या कर रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा इंडिया का। वट हैज़ बीन इंडियाज एक्सपीरियंस इन रेजिस्टिंग ग्लोबलाइजेशन। सोशल मूवमेंट्स प्ले ए रोल इन हेल्पिंग पीपल मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड दैम एंड फाइंडिंग वेज टू डील विद मैटर्स दैट ट्रबल दैम। तो बहुत सारे सोशल फॉर्म्स भारत के जो ग्लोबलाइजेशन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ट्रबल्स आ रही हैं, जो ऐसे मैटर हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स। भारत के बहुत सारे अलग अलग रीजन के लोग या अलग अलग एरियाज के लोग या अलग अलग सेक्टर्स के लोग उसकी किसी न किसी बेस पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। देयर हैव बीन लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। लेफ्ट विंग हमेशा क्या करेगी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन या कैपिटलिज्म का विरोध करेगी जो उसके अगेंस्ट बोल रही है। वॉइस थ्रो पोलिटिकल पार्टीज एज वेल एज थ्रो फॉर्म्स लाइक द इंडियन सोशल फॉर्म। तो ये इंडियन सोशल फॉर्म या फिर लेफ्ट विंग से रिलेटेड जो पोलिटिकल पार्टीज हों क्या कर रही हैं, वो लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन या फिर जो न्यू लिबरलाइजेशन है या फिर जो आपका कैपिटलिज्म है जो बढ़ता जा रहा है उसकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। द ट्रेड यूनियंस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स एज वेल एज दोज रिप्रेजेंटिंग फार्मर इंटरेस्ट हैव ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल। तो जितनी भी ट्रेड यूनियन है इंडिया की, चाहे कोई वो लेबर से रिलेटेड हो, चाहे कोई फार्मर्स की ट्रेड यूनियन से रिलेटेड हो, ये सभी क्या कर रही हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आ रही हैं बड़े बड़े देशों की, अमीर देशों की, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं। द पेटेंटिंग ऑफ सर्टेन प्लान्स लाइक नीम बाई अमेरिकन एंड यूरोपियन फर्म्स हैज ऑल्सो जनरेटेड कंसिडरेबल ओपोजिशन। तो नीम जो एक प्रोग्राम है, अमेरिकन और यूरोपियन फर्म्स हैं मिलकर जो भारत में काम कर रही हैं उनके अगेंस्ट में ये सारे सोशल फॉर्म काम कर रहे हैं, उनको उनका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और उनको यहाँ पर सेटल ना हो इसके लिए काम कर रहे हैं। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो कम फ्रॉम द पोलिटिकल राइट। दिस हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिंग पर्टिकुलरली टू वेरियस कल्चरल इन्फ्लुएंसिस।
पॉलिटिकल टर्म में बहुत सारे कल्चरल इन्फ्लुएंस जो इंडियन सोसाइटी पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है, उसके भी क्रिटिसिज्म हो रही है। फॉर एग्जाम्पल द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन टीवी चैनल्स प्रोवाइडेड बाई केबल नेटवर्क्स, जो हमारा केबल नेटवर्क फॉरेन टीवी चैनल्स दिखा रहा है और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, उसकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ये। सेलिब्रेशन ऑफ वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस डे जो कि वेस्टर्न कल्चर से आया है उसका सेलिब्रेशन को बहुत सारे लोग उसकी क्रिटिसिज्म करते हैं। एंड वेस्टर्नाइजेशन ऑफ ड्रेस टेस्ट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन स्कूल एंड कॉलेज, तो जो वेस्टर्न जो ड्रेस का टेस्ट होता है या उसके लिए जो बहुत सारे फंक्शंस रखे जाते हैं कॉलेज में स्कूल में या और भी बड़े लेवल पर, उन सभी की भी क्रिटिसिज्म हो रही है। ये इंडिया के प्रस्पेक्टिव हैं, ठीक है। इसके नोट्स आपको बना लेने हैं, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर्स मैं अभी थोड़ी देर में आपके ग्रुप में भेजता हूँ। इफ़ यू वांट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स यू कैन गिव योर सजेशन, यदि आप चाहते हो तो फिर मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसी आपकी मर्जी। अभी मैं भेजता हूँ। कोई डाउट इस चैप्टर में किसी को भी हो तो पूछ सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं मेरे हिसाब से तो, वैसे आप देख लेना।